बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर की मैथ है 9.2 क्वेश्चन नंबर 1। फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 9.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके लिए कुछ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि कोस 190, साइन 160, सेकेंड 245, टेन 115, कोसेकेंड 297, कोट 80 डिग्री। ये वो पूछ रहे हैं कि फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग, के इसके साइन क्या होंगे, पॉजिटिव साइन होंगे या फिर नेगेटिव साइन होंगे। तो इसके लिए आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक में चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2nd क्वाड्रेंट, 3rd एंड 4th, 1st, 2nd, 3rd, 4th। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल के आल यानी कि आल साइन, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं टोटल, साइन, कोज, साइन का उलट जो होता है वो कोसेकेंड होता है, कोज का सेकेंड होता है, टेन, टेन का उलट कोट होता है। ये तमाम के तमाम जो हैं ये पॉजिटिव हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम जो फंक्शंस हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री या फिर पाई ओवर 2 तक होता है, 90 कह लो या फिर पाई ओवर 2 कह लो, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास 90 से लेके 180 डिग्री तक होता है, यानी कि ये इन्होंने पूछा है 160 डिग्री, 160 डिग्री 180 से छोटा होगा, 90 से बड़ा होगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है। साइन है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव। तो ये बस हमने बताना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये बताना हमने कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का उलट जो होता है रेसिप्रोकल कोसेकेंड, वो भी पॉजिटिव है, ए एस टी सी, ठीक है, ए एस टी सी, आ सजना टर चलिए, एस फॉर साइन और कोसेकेंड, साइन पॉजिटिव, कोसेकेंड पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, टेन का रेसिप्रोकल कोट भी पॉजिटिव, कोज पॉजिटिव, कोज का रेसिप्रोकल सेकेंड भी पॉजिटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट 180 से लेकर 270 तक होता है, 180 को पाई और 270 को 3 पाई ओवर 2 बोलते हैं, और ये हमारे पास 2 पाई या फिर 360 डिग्री ये वाली, यहाँ तक पूरा सर्कल जो कम्प्लीट हो गया इस तरह, ये 360 डिग्री या फिर 2 पाई। तो 360 से अगर माइनस थीटा करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 270 डिग्री माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये तमाम के तमाम इसी तरह कोज 190 डिग्री यानी के 180 प्लस थीटा, 180 प्लस 190 होता है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट के अलावा सारे के सारे पॉजिटिव हैं और नेगेटिव हैं, टेन और कोट के अलावा बाकी नेगेटिव हैं, तो ये कोज भी नेगेटिव होगा 190 डिग्री। इसी तरह टेन 115 नेगेटिव है, सेकंड 245 नेगेटिव है, कोट 80 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव हर सारे पॉजिटिव, कोसेकेंड 297 फोर्थ क्वाड्रेंट, कोसेकेंड यानी कि साइन का रेसिप्रोकल वो भी नेगेटिव फोर्थ में, तो ये भी नेगेटिव। सेकंड क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं कि साइन, फिल इन द ब्लैंक, साइन -310 डिग्री माइनस थीटा, साइन के आगे अगर प्लस थीटा है तो वो प्लस ही आगे आएगा, साइन के अगर आगे माइनस थीटा है तो वो माइनस जो है वो फ्रंट पे आ जाता है, कोसेकेंट साइन के उलट है तो वो भी वही करेगा जो साइन ने करना है, टेन भी नेगेटिव को अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ कोज और उसका रेसिप्रोकल सेकंड थीटा है जो माइनस के थीटा को अपने अंदर अब्जॉर्ब करके प्लस ले आते हैं, ठीक है। कोज माइनस थीटा प्लस कोज थीटा, सेकंड माइनस थीटा प्लस सेकंड थीटा, कोट भी टेन का रेसिप्रोकल है तो वो भी माइनस ही रहेगा। इसी तरह
ये हमारे पास साइन माइनस थीटा जो है माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, सीकेंट है तो कोस या फिर सीकेंट माइनस अब्जॉर्व कर लेता प्लस थीटा, कोस सीकेंट माइनस है तो वो माइनस ही रहेगा। और इस तरह वो पूछ रहे हैं कि ये क्वाड्रेंट टर्मिनल ऑफ द आर्म कौन से क्वाड्रेंट में लाए करते हैं, यानी कि साइन थीटा लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो का मतलब होता है नेगेटिव, लेस देन ज़ीरो का मतलब होता है नेगेटिव यानी कि माइनस। साइन किस किस में नेगेटिव है, पहले तो हमने चार क्वाड्रेंट है, चार क्वाड्रेंट में से हमने देखना है कि साइन किस किस में नेगेटिव है। साइन इसमें पॉजिटिव है, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव हैं, इसमें साइन पॉजिटिव है, तो ये या तो थर्ड है या तो फोर्थ है। अब दूसरी बात उन्होंने जो की है वो देखनी हमने कि कोस थीटा जो है वो पॉजिटिव है, कोस थीटा थर्ड और फोर्थ की बात कर रहे थे हम, फर्स्ट और सेकेंड को इग्नोर कर दें, थर्ड और फोर्थ में थे, कोस पॉजिटिव किस में है, साइन पॉजिटिव है एक, और कोस वो कह रहे हैं कि नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है और कोस पॉजिटिव है, तो साइन नेगेटिव थर्ड और फोर्थ में है, कोस पॉजिटिव थर्ड में है या फोर्थ में है, फोर्थ में है। तो पहला टिक ऊपर वाले का थर्ड और फोर्थ दोनों में लगा था, लेकिन दूसरा टिक जो है वो यहाँ पे फोर्थ में लगा, तो ये चौथा क्वाड्रेंट है जिसकी इसमें बात कर रहे हैं, तो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर फोर है, उसमें वो पूछ रहे हैं कि साइन थीटा जो है वो 12 और 13 है, और फाइंड करें वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, साइन का रेसिप्रोकल, कोसिकेंट, कोज और कोज का रेसिप्रोकल सीकेंट, और टेन और उसका रेसिप्रोकल कोट, छह में से एक उन्होंने दिया हुआ है, और क्वाड्रेंट उन्होंने कहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन क्वाड्रेंट वन, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट वन हमने गिवन लिख दिया, साइन थीटा 12 और 13 हमने लिख लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आल के आल पॉजिटिव होते हैं, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, 12 ओवर 13 का रेसिप्रोकल 13 ओवर 12, कोसिकेंट थीटा आ गया 13 ओवर 12। और अब साइन से कोज अगर हमने निकालना है तो फार्मूला है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हमने डिडक्ट किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस फार्मूले से हमने ये फार्मूला डिडक्ट किया। यहाँ से अगर हमने साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसी तरह अब हमने यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्या था 12 ओवर 13, स्क्वायर क्या होगा 12 का 144, 13 का 169, एलसीएम लिया 169 मल्टीप्लाई 1 169 माइनस 144 25, तो ये आ जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 ओवर 169। हमें कोस स्क्वायर नहीं कोस चाहिए, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो कोस स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कोस आ जाएगा, और 25 ओवर 169 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 5 ओवर 13 प्लस माइनस का आता है, लेकिन उन्होंने कहा है क्वाड्रेंट फर्स्ट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है पॉजिटिव, तो इसलिए ये प्लस में हमने लिया 5 ओवर 13, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा 13 ओवर 5 आ जाएगा, 13 ओवर 5, और टेन थीटा हमने फाइंड करना है। अब टेन क्या होता है साइन ओवर कोस, टेन थीटा होता है हमारे पास साइन थीटा ओवर कोस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू लिखी 12 ओवर 13 जो गिवन है, कोस थीटा की जो हमने फाइंड की है 5 ओवर 13, 13 दोनों रेसिप्रोकल में थे, डिनोमिनेटर में थे, दोनों कट गए, 12 ओवर 5 हमारे पास टेन थीटा आ गया, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा होता है, कोट थीटा आ जाएगा 5 ओवर 12, तो ये हमारे पास 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे वो आ गए। दो एक उन्होंने दिया था और बाकी पांच हमने फाइंड कर लिए।